मेरे प्यारे बच्चों, कैसा है आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और घर पे रह के खेल कूद भी रहे होंगे, क्योंकि अभी बाहर जाके खेलना मना है। और साथ ही साथ मेरी कहानियाँ भी सुन रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से एक अच्छी कहानी लेके आई हूँ, जिसका नाम है समुद्र और चिड़ियाँ। मेरा नाम है सुकन्या और चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई कहानी। तो एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक चिड़िया रहा करती थी, जो समुद्र के किनारे ही अपना घोंसला बनाई हुई थी। एक दिन शाम को उसने दो अंडे दिए और सुबह होकर के खाने की तलाश में निकल गई। फिर वो आई लौट कर के दोपहर को, तो देखा कि अंडे ही नहीं हैं। तब उसने समुद्र से पूछा कि समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे देखे हैं? तो समुद्र ने जवाब दिया इठलाते हुए और गुरूर से कि मुझे क्या पता तुम्हारे अंडे कहाँ गए, मुझे नहीं पता। तो फिर उसका इठलाना देख करके चिड़िया ने समझ लिया, चिड़िया ने उसको भाप लिया कि हो ना हो ये अंडा मेरा यही चुराया है। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक मैं हूँ और एक तुम हो, तो दोनों में से एक जानेंगे। अगर जो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो मैं जानूँगी, और मेरे साथ बुरा होगा तो तुम जानोगे, क्योंकि हम दोनों ही हैं यहाँ पे। तो तुम्हें पता होगा कि मेरे अंडे किसने चुरा लिए हैं। तो समुद्र ने कहा कि मुझे नहीं पता, अपने अंडे को तुम खुद ही ढूँढ लो जिसने भी चुराया है, मैं क्या जानूँ तुम्हारे अंडे। तब चिड़िया गुर्राते हुए बोली, मतलब झुंझलाते हुए बोली कि समुद्र, तुम मेरे अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पानी, जितना सारा समुद्र में तुम्हारे पानी है, सबको मैं सुखा दूँगी। तो समुद्र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसको चिढ़ाने सा लगा। तब चिड़िया उसको एकदम गुस्साए हुए नज़र से एकदम देखने लगी कि आज मैं तुम्हारा पानी सुखा के ही रहूँगी, तुम्हारे पास जितना भी पानी है मैं सुखा के ही रहूँगी। उसके बाद क्या किया चिड़िया ने कि अपने चोंच में पानी भर भर के किनारे पर वो रखने लगी। ऐसे करते करते शाम हो गया और सभी पक्षी वहाँ पे आए और पूछे कि क्या कर रही हो बहन ये? तो उसने कहा कि समुद्र ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं और मैं समुद्र का पानी सुखा रही हूँ। तो सब पक्षी ने कह रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा पानी है बहन, नहीं कभी सूखेगा इसका पानी, तुम फालतू में ही मेहनत कर रही हो। तो ऐसे करते करते चिड़िया दो तीन दिन तक मेहनत की और उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, फिर भी वो मेहनत की जा रही थी। इससे वहाँ के जानवर सब बहुत ही दुखी हो रहे थे और पक्षी सब भी बहुत दुखी हो रहे थे कि चिड़िया ऐसे करती रही तो उसका तो स्वास्थ्य खराब हो गया, अब वो मर भी सकती है। तो सभी पक्षी जो थे वो पक्षी के राजा गरुड़ के पास गए, जो भगवान विष्णु का वाहन भी है। तो सभी ने पक्षियों के राजा गरुड़ से निवेदन किया कि महाराज, आप उस चिड़िया की जान बचा लीजिए, वो तो समुद्र का पानी में सुखाने में लगी हुई है, लेकिन समुद्र का पानी तो बहुत होता है और वो कभी भी सूखेगा नहीं। तो गरुड़ राजा वहाँ पे गए और बोले कि चिड़िया रानी या फिर चिड़िया बहन, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो चिड़िया बहुत गुस्से में थी और बोली कि नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगी, क्योंकि उसके बच्चे तो खो गए थे तो उससे तो गुस्सा आएगा ही और बच्चों की चिंता तो होगी ही, अगर जो बच्चों को कुछ हो गया तो फिर वो क्या करेगी। तो वो बहुत गुस्से से लाल थी और समुद्र का पानी लेकर के किनारे पर रखती जा रही थी। फिर गरुड़ थे जो भगवान विष्णु के पास गए, जो इस पृथ्वी के रचयिता माना जाता है वेद के गीता के अनुसार।
ये जो कहानी है भगवत श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है। तो इस संसार के का देखभाल करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। तो सभी गरुड़ राजा गए भगवान विष्णु के पास और निवेदन किया कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो उस चिड़िया की जान खतरे में है। तो भगवान गए वहाँ पे जहाँ पे चिड़िया बार बार पानी समुद्र से लेकर के किनारे पे रखती जा रही थी। भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र राजा, तुम कृपा करके तुम लौटा दो उसके अंडे। तो समुद्र ने उसके अंडे लौटा दिया। उसके बाद चिड़िया इटराते हुए बोली कि देखा मेरे अंडे मिल गए ना, मेरे अंडे मिल गए ना। इसके बाद चिड़िया के दोनों अंडे मिल गए और उसके बाद सभी पक्षी सब बहुत खुश हुए और चिड़िया तो खुश हो गई क्योंकि उसके अंडे जो मिल गए थे। उसके बाद दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि अगर हम अपना काम स्वयं करें तो हमारी हेल्प भगवान भी करते हैं। इस कहानी से और भी एक शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दूर से कोई भी चीज़ कितना भी कठिन क्यों ना लगे, लेकिन हमें अपना हक जब हम लेंगे तभी कोई हमारा हेल्प करेगा, नहीं तो कोई भी हमारा हेल्प नहीं करेगा अगर हम बस सोचते रहेंगे कैसे करें कैसे करें। इसलिए अगर हम अपना स्वयं खुद का हेल्प करते हैं तो भगवान भी हेल्प करते हैं और हमारा काम तभी पूरा होगा, हमारा जो भी लक्ष्य है तभी पूरा होगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं फिर से कोई प्रेरणादायक कहानी लेके आऊँगी तो आपको पता चलेगा। बाय।